टेक आफ्टर मीन्स होता है के समान होना. आई थिंक यू टेक आफ्टर मी, आई ऑल्सो राइट डायरी डेली. मुझे लगता है कि तुम मेरे जैसे हो क्योंकि मैं भी डायरी लिखता हूँ. सी टेक्स आफ्टर हर मदर, वो अपने माँ जैसी है. टेक आफ्टर मीन्स होता है के समान होना. आई थिंक यू टेक आफ्टर मी, आई ऑल्सो राइट डायरी डेली. मुझे लगता है कि तुम मेरे जैसे हो क्योंकि मैं भी डायरी. Take to heels means होता है भाग जाना, यानी to run away. The thieves took to their heels when they saw the police. चोर पुलिस को देख करके भाग गए. Take to heels. Keep up means होता है बनाए रखना. Remains can't keep up with their friends while racing in the field. जब मैदान में दौड़ लगाता है तो रमेश अपने साथियों के साथ अपनी स्पीड बनाए नहीं रखता है. Keep up का मतलब कॉन्टैक्ट में बने रहना भी होता है. You must keep up with them. आपको उनके साथ कॉन्टैक्ट बनाए रखना चाहिए. Okay. Make a clean breast means होता है सच उगल देना, बिना डर के सच्ची बात बता देना या गुप्त रहस्य को खोल देना. Today he will make a clean breast before CBI about his crimes. आज वो अपने जुर्म के बारे में CBI के सामने सब कुछ सच्ची सच्ची बता देगा. Stave off means होता है postpone करना या स्थगित करना या बचना. You must stave off the plan which disturbs you. आपको उस प्लान से बचना चाहिए जो आपको परेशान करता हो. Stave off का मतलब होता है बचना या उसको स्थगित करना. To give a peace of mind means होता है डांटना, to reprimand. The collector must give his peace of mind to the corrupt officer. कलेक्टर को, भ्रष्ट अधिकारियों को डांटना चाहिए. आई विल गिव अ पीस ऑफ माई माइंड टू हिम इफ ही विल नॉट इम्प्रूव हिमसेल्फ. अगर वो अपने आप को सुधारेगा नहीं तो मैं उसको डांटूंगा. रेस्ट ऑन लॉरेल्स मीन्स होता है अपनी पुरानी उपलब्धियों का गुणगान करना. द न्यू गवर्नमेंट मस्ट नॉट रेस्ट ऑन लॉरेल्स, सी मस्ट वर्क फॉर द पब्लिक वेलफेयर. सरकार को अपनी पुरानी उपलब्धियों का गुणगान नहीं करना चाहिए, उसे जन कल्याण के कार्य करने चाहिए. पे थ्रू नोज मतलब अधिक कीमत अदा करना. वी विल हैव टू पे थ्रू नोज आफ्टर दिस ईयर. इस साल के बाद हमें बहुत कीमतें अदा करनी पड़ेगी. जॉन फैंसी मतलब कल्पना का उपयोग करना, यूज इमेजिनेशंस. पोइट ऑलवेज ड्रॉ ऑन फैंसी व्हेन ही राइट्स एनी पोइम. कवि जब भी कोई कविता लिखता है तो कल्पना का उपयोग करता है. थैंक यू.